अस्सलाम वालेकुम। सो भाई जान, इस वक्त घर में लाइट नहीं है और कल रात इतनी बारिश हुई है कराची में कि आज रोडों पे पानी इतना भरा हुआ है, लाइक समझो इतना डूब सकता हूँ मैं, इस तरह की बारिश है। और आज मैं जाना था नानी के घर, जिसे कल आपको बताया था, प्लान कैंसिल। मतलब वहाँ पर नानी के पूरा जो मैदान है ना सामने का, वो पूरा भर चुका है। मतलब कश्ती में जा सकते हैं हम, वहाँ पर गाड़ी में नहीं आ सकते। जो रोड आएंगे, रास्ता आएगा, वो सब भरा हुआ भाई पानी से। मतलब आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, इतना पानी भरा हुआ कराची के अंदर। लाइक सैविज कुछ भी नहीं है ना, मतलब पानी भर चुका है, पानी कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं है, रोड्स ब्लॉक है। तो इस वजह से हम भी फिर कहीं नहीं जा सकते, इसलिए बता रहा हूं। कुछ भी नहीं हो रहा, हम आज जाएंगे, कल बात होगी हमारी। मैं एक तो बता रहा हूँ कि रोड भर गए हैं, पानी भर गया, नहीं जा सकते, गाड़ी फंस जाएगी। लेकिन हम जाएंगे ना, आज बात हो गई हमारी। मैं गाड़ी फंस जाएगी तो कैसे जाएंगे? जहाँ पानी होगा तो हम वहाँ जाएंगे नहीं। देख लेंगे निकल जाएंगे बाहर। भाई आपको भी दिखा देंगे कि यार रोड पे कितना पानी है कितना नहीं है। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। नाश्ते में मेरे पास है तंदूर की रोटी और चाय। ये थोड़ी तल जाती है ना तो मजा आता है, मतलब चाय के साथ खाने में। इनका नाश्ता देखिए, रायता, कबाब, बोटी, पराठा, कोल्ड ड्रिंक, यही होगा पूरे महीने। पूरे महीने तुम नाश्ता ही करोगे अब? इनके मैदे में ना बहुत बर्दाश्त है भाई, मतलब हैवी चीज भी खा लेते हैं ना नाश्ते में, बर्दाश्त हो जाती है। मैं थोड़ा हल्का बहुत खाता हूँ ताकि भाई कहीं बर्दाश्त ना हो, फिर मसला हो जाता ना फिर, समझते हो? तुम यही खाओ। मैंने सिर्फ न्यू शर्ट पहनी है, बाकी जो सब कुछ पुराना पहना है, चप्पल, ट्राउजर और कैप, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं भाई बाहर, और बाहर का पता नहीं है कि अगर नए नए कपड़े पहन लिए ना और वो खराब हो गए, अगर हम पानी में डूब गए, क्योंकि हम जा रहे हैं गाड़ी में, और अब हमें देखना ये है कि हमारी गाड़ी कहाँ कहाँ से जा सकती है, कहाँ कहाँ से नहीं जा सकती। मतलब देखो, बाहर तो घूमना है ना, ईद तो मनानी है ना, सेकंड डे है भाई ईद का, तो चलते हैं बाहर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कहाँ जाना है? पानी के अंदर? हाँ चलो। लगता नहीं है कोई बाहर होगा भाई, होंगे क्योंकि बकरीद है, मजबूरी में भी सबको बाहर निकलना पड़ रहा है, काम भी हो रहा है, भोज भी बांटना है, गाय भी जिबा करनी है, ये सब काम हो रहा है। हम तो चलते हैं घूमने, आज भी भाई कुर्बानी हुई है। और अब क्या बचा है भाई? एक बकरा, दो बकरा, तीन, चार, चार बकरे अभी भी बचे हैं भाई जान, बाकी सब अल्लाह की राह में कुर्बान। बस मैंने गिन लिए, चार ही हैं। चार पांच दिन बाद धूप निकल आई। धूप से ये फायदा है कि यार पानी थोड़ा बहुत तो सूखे ना यार, कुछ तो हो। लाइक इतने बारिश, इतनी बारिश, बहुत तेज बारिश हो रही थी, रात को मुझे नींद भी नहीं आई, 5 बजे सो जाऊं, मतलब बारिशों की आवाजें। मैं तो वो सोच रहा था यार, जो बेचारे उधर रहते हैं मेरे टाउन से वापसी आ रहे होते हैं हाईवे पे, झोपड़ी पे जो सारी झोपड़ी है वो कैसे सब बिक जाती होंगी पूरी रात, जो 7 घंटे बारिश, 7 घंटे अहमियत रखता है। अब ये देखना है कि कराची का हाल क्या है भाई, जब मुझे रात को नींद नहीं आई बारिश की आवाजों से, तो आज चलते हैं देखने। अरे यहाँ तो पूरा सीवी होता है, कहाँ गया पानी? रोड ने पी लिया सारा पानी। कल कितना पानी था जब तुम बाहर आए थे? इस रोड से उस रोड पे फुटपाथ से ऊपर से पानी जा रहा था, इतना पानी था इधर। थोड़ा सा बचा, पता नहीं कहाँ गया पानी यार। ये देखो भाई, नीला आसमान निकल कर आया भाई, शायद की धूप की वजह से पानी खत्म हो गया, धूप बड़ी तेज पड़ी होगी ना आज। ओए अभी ना मिल गया पानी खत्म और पानी आ गया, ये थोड़ा ज्यादा है। वो मिल गया भाई, आगे रश हमें भाई बड़ा, और मुझे लगता है यहाँ बहुत पानी होगा, मुझे लग रहा है। हुई हुई हुई, क्या स्पीड है पानी की भाई। कंपनी गाड़ियां बनाती है ना, उनको बोट बनानी चाहिए, मतलब कोई मसला ही नहीं हो बाहर निकलने में। वो बोट नहीं बनाएंगे, उनको क्या पता कराची डूब जाता है। पाकिस्तानी हुकूमत को कराची को ऐसा करना चाहिए, इधर रोड की जगह पानी छोड़ दें सब जगह, मतलब हमसे बोट चलाया, बोट चलाया, उसमें बाइक खराब होगी, जैसे बाइक खराब हो जाती है, गाड़ी खराब हो जाती है ना, बोट चलाएंगे तो बोट तो खराब ही नहीं होगी। और ये पानी हटाने वाला भी खड़ा हो भाई, ट्रक तो यही नहीं, उसने बोला बहुत पानी हटा लिया। यहाँ पानी है देखो, फुटपाथ पूरी डूबी हुई है इसके अंदर, पानी के अंदर गली भी आगे से भरी हुई है। ये तो कुछ भी नहीं है, और इलाके तो बहुत ज्यादा डूबे हुए, जहाँ पर आप जा भी नहीं सकते, इतना इतना पानी है। ओए होए होए, ये देखो भाई, ये देखो, अब हमारी गाड़ी चल रही है ना ये सीवीओ के पानी के अंदर, टायर पूरे के पूरे अंदर है भाई पानी के। ओए अंकल के ऊपर पानी आ गया। इस तरह है भाई पानी, कहीं कहीं सड़कों पे है, कहीं कहीं जैसे इधर नहीं है, उधर पीछे था। हम कहीं निकल जाते नानी के जाने के लिए, और बीच में पानी मिल जाता इस तरह का, और इससे भी अगर ज्यादा मिल जाता तो हमारी गाड़ी भी खराब हो जाती और हम भी फिर डूब सकते थे, इस तरह चांसेस थे, क्योंकि यहाँ पर अगर पानी आ गया तो सब गया, तो इसलिए कैंसिल हो गया नानी के जाना। सबके मुंह उधर है पीछे भाई, ये देख लो, आज घूमना फिरना बंद है ना, नए कपड़े भी नहीं पहने किसी ने, बच्चे घर पे रो रहे, बोल रहे थे बाहर घुमाने चलो, तो हम इनको रोड दिखाने दिया। कराची में देख लो इस तरह बारिश होती है, देखो कहीं पर रोड बिल्कुल ही साफ है, क्लीन है, एक भी पानी की बूंद नहीं है, और पीछे कितना पानी था। तो आइसक्रीम खाने आ गया भाई बारिश के मौसम में, 2 इंजीर है, 2 स्ट्रॉबेरी चीज केक है, और 1 पाइनएप्पल। पाइनएप्पल, इंजीर, चीज केक। बादल चेक करें कितने सारे वापसी से आ गए भाई, हम तो समझे बारिश खत्म हो गई, अब नहीं होगी, सारे पानी से भरे हुए बादल है भाई। पर तुम बादल के अंदर देख के आए थे क्या? ये जैसे दिख रहा है ना मुझे, इसमें उतारो, दिखेगा नहीं दिख रहा तुम्हारे यहाँ, खराब है
ईद खत्म हो गई लेकिन बकरे अभी भी यहाँ पर रोडों पे लगे हुए हैं। ये देखो मतलब के लोग अभी भी खरीद रहे होंगे। लास्ट दिन बचा ना ईद का, कल भी कुर्बानी होती है। गाइस उधर जाओ, बहुत घूम ले पानी में। सुबह ना यहाँ तक पानी था, मतलब ये लाइक इतना पानी था, ये वहाँ तक जा रहा आ रहा, अभी ना इधर चले गया। घूम ली बाहर, सुकून है अब। क्या हुआ ना के बन, क्या हुआ कुछ तो बोलो। अच्छा ना छोड़ो पहले। सबों को बहुत बदबू आ रही है यहाँ पर। अभी पकड़ो इसको। अबे टमाटर स्पेंडल कहाँ था तू? देखो बुखार तो नहीं हो रहा? अभी नहीं हो रहा, ठीक हो गया है। पानी देखने गए थे, पानी पापा सारा पानी खत्म हो गया। तो अभी हम जा सकते हैं नानी घर। अरे जो वहाँ पर तो पानी है ना, वो ग्राउंड है, ग्राउंड में पानी बहुत पड़ा हुआ, रोडों से खत्म हो चुका, लेकिन ग्राउंड में बहुत है। बकरा ईद को तो जाना होता है, बच्चों को ना खेलना होता है नानी घर जाकर। बच्चों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है नानी घर, है ना? बहुत ज्यादा। वहाँ सारे कजन आते हैं और मजा आता है यार। सारे प्लान कैंसिल इन लोगों के, कपड़े निकाले थे जाने के लिए, मुझे पता चला आकर इधर के कैंसिल हो। हमारा प्लान वही था कि जाएंगे और कुछ बनाया ही नहीं। कॉल है मम्मा की बहन की कि भाई हमारे वहाँ पर ना ग्राउंड में बहुत सारा पानी जमा हुआ है, कश्ती में आ सकते हो, उसके अलावा नहीं आ सकते। लड़ो एक दूसरे को मारो 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 मारो। और एक काम करो, पानी में डाल कर आ जाओ दूसरे को, देखते कौन डाल कर आता है। खून वाले पानी में डाल, खून वाले पानी में, खून गटर और पानी तीनों मिक्स हो, तीनों मिक्स इसको डाल। बस ना अब क्या लड़ते रहोगे क्या? बस कर दो। हाँ तुमको तंग करना, यहाँ से हटो। बैठा हुआ मैं, बैठ नहीं सकता क्या मेरे बच्चे के पास? स्विमिंग पूल बन गया। वजीर आला से बुलंदनी शाह कहते हैं बारिश के दौरान रिलीफ का काम नहीं हो सकता। निकल चुका भाई यहाँ पर गोश्त, तो हम बना रहे हैं भाई टिक्का बोटी। चलो बेटा काम पे लगो, काम पे। इधर अलग काटो, उधर छोड़ दो, अपने अलग काटो। घर में ही है तो भाई हम बना रहे हैं टिक्का बोटी। यहाँ पर सभा काट रही है भाई, इधर रख कर भैया उधर ही काट रहे। देखो खराब नहीं काटना, बस सही काटना, छोटे छोटे पीस करना, इतने देखो, इतने नहीं देखो, नहीं ये बहुत ज्यादा छोटे हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा। मैंने चिकनाई कट रही है ऊपर की भाई, उसके बाद बोटियां कटेंगी। अभी तो बाहर भी क्योंकि व्लॉग भी बाकी है, ये तो सिर्फ घर में। आज दूसरी ईद को हम बंद हो गए तो इसलिए हम ये कर रहे हैं, वरना बाहर भी क्यों बहुत करना है अभी हमने। तुम तीनों पीस काट लोगी? ये हो गए दो पीस, साफ है, साफ हो गए, उसको काटना भी तो छोटे छोटे, तो पहले साफ तो सफाई तो हो जाए ना। हुए सही कसाई आए हैं यहाँ पर घर में आज हमारे। भैया ने मुझसे ले लिया, मैं ये हटाई थी, चर्बी गिर रही सब, तुम इतनी चिलचिल हो गई, मैं कट कट बोटियां काटूंगा। अरे हाँ देखो तेज तो काट रहा हूँ, तुमसे पहले शुरू भी कर दिया। मैं भी काट ली थी, मैं चर्बी हटा। नहीं सब सुस्त कर रही थी, तो भैया ने बोला कि मुझे दे दो, मैं जल्दी कर देता हूँ। गुड कसाई, गुड सही है, क्योंकि पकने के बाद ना थोड़ी सी छोटी। हाँ ये साइज सही है। एक काम ये भी है, अपने पेट के हिसाब से नहीं काटना, हमारे पेट के हिसाब से भी काटना। और मसाला डलेगा भाई इसके अंदर, टिक्का मसाला। इधर आ जा, बंद बनेगा इसमें ना। अब दोनों लग गए भाई मेहनत करने में भाई। अब तुम चल भी हटा के दो, मैं काट रहा हूँ। करो ना पूरा खुद काटो। जल्दी की वजह से बोल रहा हूँ, ताकि इससे काम जल्दी होगा। जैसी वहाँ से कटते जाएगा और इसमें आते जाएगा। जब तक टिक्का बोटी बन रही है तो यहाँ पर आए भाई बाहर से छोले, तो ये खाते थोड़ा। चलो भाई तो अब ये जा रहा है भाई फ्रिज के अंदर, कम से कम डेढ़ या दो घंटे बाद इसको निकाल के फिर बना सकते हैं। अगर अभी बना देंगे इसको तो वो जायका नहीं आएगा। A few moments later. हम वहाँ टमाटर में बातचीत कर रहे हैं, देखो निकाल के दान लाने शुरू कर दिया भाई इन लोगों ने। तो दोनों से बनेगी टिक्का बोटी, तवे पे, तवे बनती है ना घर में। तो अम्माएं तो घर में बनाती हैं, मेरी मम्मी घर में बनाती थी। मॉम के हाथ की कब खाएंगे हम? हम सो के उठे, मॉम ने बोला कि मैंने आज भी टिक्का बोटी बनाई है, तो पता लग जाएगा मॉम ने बनाई है। गोश्त इसलिए काट रही हो? बस यही गोश्त हमारे घर में आया, और कुछ नहीं, पूरी गाय का, पूरे बकरे का, इसी को काट के बनाओगी। फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो मंगा लेंगे। चलो भाई इधर ये भाभी बना रही है, इधर सभा बना रही है, इसके मुंह पानी आ रहा है। मेरी बारी कब आएगी? सबकी थोड़ी थोड़ी बारी आ रही है, सब बनाओ। क्या बन रहे? अबे टिक्का बोटी बन रही है, चलो बनाओ लाइन में लो। खाती ना मैं, बनाती हूँ भाई। यहाँ से फरिया तो भाई शुरू से ही गोश्त नहीं खाती, सिर्फ ये चिकन खाती है। इंती मियां बीवी। हाँ माशाल्लाह बड़े मेहनती हैं भाई। तुम लोग जाके बैठे, इतनी मेहनत भाभी की तो बन गई भाई। कितना टाइम लगेगा इसको? तो फिर तुम्हें तो एक घंटा लगेगा जब भाभी को आधा। नहीं, इसमें लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। कच्ची नहीं खानी हमने? कच्ची ना खिला दो तुम भाई अपने चक्कर में, तुम्हें ज्यादा भूख लग रही है मुझे पता है। कच्ची निकाल के बोलो बन गई। हाँ भाई कौन जल्दी जल्दी बना सकता है। चलो अब मैं करता हूँ थोड़ा सा। इसको हिलाते रहना पड़ता है या बस छोड़ देते? छोड़ दो बस, छोड़ दूँ इसके बाद वो ढक दूँ ढक्कन। अब इसको हम देखेंगे भाई आधे घंटे बाद मैं तो देखूंगा, लेकिन तुम 20 मिनट बाद 15 मिनट आके देख लेना, और एक चबा के भी देख लेना कच्ची। सही है। तू क्या कर रहा है? चिकन खा रहा है। इसको देख के मुझे गुस्सा आ रहा है। क्यों? बकरा ईद वाले दिनों बोटियां खाने की जगह चिकन खा रहा है। क्यों भाई? तबियत खराब, दिल कर रहा था ये खाने का। अबे चलती है तबियत खराब में, वैसे दिल तो करता है चिकन खाने का, टिक्का खाने का, बोटियां। अबे बोटियां खाने का भी जो दिल करता है तबियत खराब में, वो तेरे लिए बन रही है। वो भी खाएगा भाई, इस वक्त दोनों चीजें खाएगा ये।
अब जरा देखते हैं कि भाई बनी नहीं बनी। आ हा हा हा, तो भाई बन चुकी है और इधर मॉम ने पीसेस भी कर दिए गोश्त के, पराठे भी आ चुके हैं यहाँ पर और टिक्का बोटी भी हमारी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अरे अच्छा आप ले लो, आप ले लो, ले लो, ले लो। दो किस्म की भाई टिक्का बोटी है, ये मसाले वाली है ना ना, वो मसाले वाली है। पहले मसाले निकालते हैं और थोड़ी सी ये बगैर मसालों की। चलो भाई बाजी और भाभी तो गए, अरिया घर में है, मॉम भी जा रही है, टाटा। मैं आपके ऐसे रुकी हूँ, तो जाना है तो मना किसने किया? नहीं आ रहा। अरे एक शख्स और जा रहा है, तबीयत खराब है मेरी, बाहर घूमने जा रहे हैं इनके साथ। हैं तबीयत ठीक हो गए? बिल्कुल, थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। चल जा निकल, चल चल। झूठ बोल, अच्छा सब्सक्राइबर्स को पागल तो नहीं बना रहा गई? तुम्हें तो खराब तबियत खराब, ताकि तुमको मारे ही नहीं, हम मार खाने से बच रहे हैं। तो इस व्लॉग को भाई इधर ही एंड करते हैं, आपको पसंद आएगा। ये लोग गए भाई मूवी देखने, इनका प्लान था, पता नहीं कब से प्लान था कि ईद को जाएंगे मूवी देखने, ईद को जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख कर आ गए थे, मम्मा ने नहीं देखी थी ना बाजी ने देखी थी, हाँ ये दो देखे थे ना, तो इनकी वजह से लोग चले गए वापसी। तो इस व्लॉग को इधर ही एंड करते, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जल्दी जल्दी। क्या तू भी बोलेगा? बंद करो, बंद करो। मैं तो समझो सारे जा रहे हैं। नहीं तो जा रहा था मैं। अच्छा तो सब जा रहे? नहीं ना, इनका अपना प्लान बना था पहले से। चल जा जा जा। अबे नहीं जा रहा यार, नहीं जा रहा, व्लॉग एडिट करना है। चल बाय बाय, सारे प्लान रह जाते रात के टाइम के। बाय।